Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, बेस्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ 30 टॉप बायोलॉजी के प्रश्न, जो सभी कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, वायरस होते हैं। कणिका में या एक कोशिक फिर बहुकोशिक और फिर उपरोक्त कोई नहीं। जो वायरस होता है वो न एक कोशिक होता है, न बहुकोशिक होता है, एक कोशिक होता है, ये कोई कोशिका नहीं होता, एक कोशिक ही होता है या कणिका में होता है। अगला प्रश्न, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा, वायरस क्या होता है, एक कणिका में या एक कोशिक। अगला प्रश्न, जीवाणु भोजी बने होते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, जीवाणु भोजी बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल के, केवल प्रोटीन के, न्यूक्लियो प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के। जीवाणु भोजी होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लिक अम्ल भी पाया जाता है और उनके ऊपर कैप्सिड भी पाया जाता है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, यानी कि ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन दोनों के बने हुए होते हैं। तो छः आंसर हमारा सही हो जाएगा, छे। तीसरा प्रश्न, है वायरस कण के आवरण को कहते हैं। वायरस के कण के जो आवरण होता है, कण का जो आवरण होता है उसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका भित्ति नहीं, क्यूटिक नहीं, हाँ कैप्सिड कहा जाता है। वायरस के कण के जो आवरण है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है और उसे क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया दे। अगला प्रश्न है, निम्न में से वायरस जनित रोग है, टाइफाइड, पोलियो, टीबी, डिप्थीरिया। निम्न में से वायरस जनित रोग है, टाइफाइड जीवाणु से होता है, टीबी जीवाणु से होती है, डिप्थीरिया भी जीवाणु, पोलियो जो है वो पोलियो वायरस से, पोलियो माइलिटिस वायरस से होता है। तो इसका राइट आंसर बे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी, कोच ने, ल्यूएन होक ने, पास्चर ने, जेनर ने। तो सबसे पहले जो जीवाणु की खोज की गई थी, एंटोनी वॉन ल्यूएन होक के द्वारा जीवित कोशिकाओं के रूप में देखा गया था। हम ऐसे भी कहते हैं, सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की खोज एंटोनी वॉन ल्यूएन होक ने की थी। अगला प्रश्न, म्यूकोपेप्टाइड लक्षण है जीवाणु का, हरित शैवाल का, नीले हरे शैवालों का, यीस्ट का। तो म्यूकोपेप्टाइड है वो जो ये जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति से रिलेटेड है। म्यूकोपेप्टाइड लक्षण किसका है, जीवाणुओं का लक्षण है। ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, बैंगन का लघुपर्णी रोग होता है। बैंगन का जो लघुपर्णी रोग है ये किससे होता है, शैवाल से, वायरस से, माइकोप्लाज्मा से, बैक्टीरिया से। ध्यान रखना है, बैंगन का लघुपर्णी रोग माइकोप्लाज्मा से होता है। से इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, पादप जोकर किसे कहा जाता है, तो वायरस इसको नहीं कहते हैं, कवक को नहीं कहते हैं, वायरस को तो क्या कहते हैं, सजीव जगत और निर्जीव जगत के बीच की योजक कड़ी वायरस को कहा जाता है, और जंतु जगत और पादप जगत के बीच की कड़ी को योगलीना को कहा जाता है, और सूक्ष्म जगत का जोकर ये माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये,
माइकोप्लाज्मा की वृद्धि के लिए आवश्यक है? माइकोप्लाज्मा की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? वसा, प्रोटीन, स्टेरॉल, कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान रखना है आपको, जो स्टेरॉल होता है ये माइकोप्लाज्मा की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है हरित शैवालों में, नीले हरे शैवालों में, भूरी शैवालों में, लाल शैवालों में। प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो नीले हरे शैवाल होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी, नीले ब्लू ग्रीन एल्गी या BAG कहते हैं इनको। अगला क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, जेलिडियम शैवाल से प्राप्त किया जाता है आयोडीन, अगार अगार, डाइटोमाइट और ब्रोमिन। तो ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम जो शैवाल है उनसे अगार अगार नामक जेली प्राप्त की जाती है, इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, फल रहित बीज वाले पादपों को कहते हैं, यानी कि फल नहीं होंगे और बीज लगेंगे, तो ऐसे जो पादप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं, या टेरिडोस्पर्म कहते हैं, या जिम्नोस्पर्म कहते हैं, या फाइटोस्पर्म कहते हैं। तो फल रहित बीज वाले जो पादप होते हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म, नग्न बीजी पादप कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोशिका की संरचना एवं संगठन के अध्ययन को कहते हैं, कोशिका की संरचना एवं संगठन के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको कोशिका विज्ञान कहा जाता है, जीव विज्ञान नहीं, आकारिकी नहीं, आनुवंशिकी नहीं, कोशिका साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी कह सकते हैं हम। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था, सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा था? ऑप्शन दे रखा रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, वॉन मोल ने, ल्यूएन होक ने। सबसे पहले जीवित कोशिका को एंटोनी वॉन ल्यूएन होक ने देखा था, तो ये दे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, न्यू सेल ओरिजिन फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल। नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन क्या ये स्लाइडेन का है, क्या ये सवान का है, क्या रुलो विरचोव का है, या कोर्टी का है? और ध्यान रखना है जो ये कथन है वो रुलो विरचोव के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, कोशिका सिद्धांत के अपवाद है, नीले हरे शैवाल, जीवाणु, वायरस, उपरोक्त सभी। कोशिका सिद्धांत के अपवाद है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे माना जाता है? वायरस को। कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे माना जाता है? वायरस को। अगला प्रश्न, डीडीयू ने किसकी खोज की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की, राइबोसोम की, लाइसोसोम की, गोल्जी काय की। तो डीडीयू ने लाइसोसोम की खोज की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन एंड स्वान, वाटसन वे क्रिक, नोल वेरस्का। ध्यान रखना है नोल वेरस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, ER की खोज किसने की थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? पोर्टर ने, ओकोवा ने, ब्राउन ने, ड्यू ने। याद रखना ER की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई? पोर्टर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, मध्य पटलिका किसकी बनी हुई होती है? लिग्निन की, पेक्टिन की, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पेक्टेट और सेल्यूलोज। तो ध्यान रखना है जो मध्य पटलिका होती है, जो मध्य पटलिका दो पादप कोशिकाओं की साझा भित्ति होती है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी हुई होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी हुई होती है। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति के निर्माण में जो पदार्थ सर्वाधिक पाया जाता है वह? कोशिका भित्ति के निर्माण में जो पदार्थ सर्वाधिक पाया जाता है वह प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक अम्ल। ध्यान रखना है जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये आपके कोशिका भित्ति के निर्माण में सर्वाधिक पाया या काम में लिया जाता है।
कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों के अंत्यग्रहण को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली के द्वारा पादपों के अंत्यग्रहण को क्या कहते हैं? साइक्लोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, उपरोक्त तीनों। ध्यान रखना है एंडोसाइटोसिस कहा जाता है कोशिका झिल्ली के द्वारा पदार्थों का अंत्यग्रहण, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। अगला प्रश्न, सेल्यूलोज के एक अणु का निर्माण होता है, सेल्यूलोज के एक अणु का निर्माण होता है 3000 ग्लूकोज के अणु से, 30000 ग्लूकोज के अणु से, 30000 फ्रक्टोज के अणु से, 30000 गैलेक्टोज के अणु से। तो ध्यान रखना है सेल्यूलोज के एक अणु का निर्माण 3000 ग्लूकोज के अणु से होता है, 3000। अगला प्रश्न, इलियोप्लास्ट संग्रह करते हैं, इलियोप्लास्ट संग्रह करते हैं। ध्यान रखना है प्रश्न क्या बोल रहा है इलियोप्लास्ट के बारे में। एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट तीन होते हैं ये। एमाइलोप्लास्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट और जो एल्यूरोप्लास्ट होता है उसके अंदर प्रोटीन, और जो इलियोप्लास्ट होता है उसके अंदर वसा का संग्रह करते हैं। किसका? वसा का संग्रह करते हैं किसमें? इलियो, ये लह, इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट के अंदर वसा का संग्रह किया जाता है और एमाइलोप्लास्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किया जाता है। अगला प्रश्न, कोशिका की आत्मघाती थैलियां हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, डिक्टियोसोम, लवक। ध्यान रखना है कोशिका की जो आत्मघाती थैलियां हैं उन्हें लाइसोसोम को कहा जाता है, आत्मघाती थैलियां। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित राइबोसोम होता है 70S, 50S, 80S और 60S। ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, पादप कोशिका में कौन सा नहीं होता है इनमें से? लवकें, स्पीरोसोम्स, सूक्ष्म नलिकाएं, तारकाय। बताइए इनमें से कौन सा है वो पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ध्यान रखना है तारकाय है वो पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो लवकें, लाइसोसोम, सूक्ष्म नलिकाएं, तारकाय। तारकाय तो अभी मैंने बताया जंतु कोशिका में पाया जाता है, सूक्ष्म नलिकाएं भी पाई जाती है, लाइसोसोम भी पाए जाते हैं। जो लवक होती है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर लवकें। अगला प्रश्न, एक अर्ध गुणसूत्र में डीएनए के कितने अणु पाए जाते हैं, क्रोमेटिड जिसको कहते हैं, इसके अंदर डीएनए के कितने अणु पाए जाते हैं एक अर्ध गुणसूत्र में? तो एक, चार, दो और कई इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। जो अर्ध गुणसूत्र होता है, जैसे ये गुणसूत्र है, इसका जो ये भाग होता है इसमें कितने डीएनए के अणु होते हैं? इसमें हमेशा ध्यान रखना कितने डीएनए के अणु होते हैं, एक। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जीवाणुओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, जीवाणुओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसको हम सरल कर सकते हैं, जीवाणु प्रोकैरियोटिक सेल है तो डीएनए तो पाया जाएगा, आरएनए भी पाया जाएगा। तो हिस्टोन प्रोटीन होती है, नहीं पाई जाती हिस्टोन जो प्रोटीन है ये नहीं पाई जाती, क्योंकि जीवाणु प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ये 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आपको इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि सभी विद्यार्थियों को लाभ हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।